नमस्ते, आज मैं ये एक नई कहानी के साथ, यह कहानी जल पर निर्भर है। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम था अनन्या। वह एक दिन वॉश बेसिन पर खड़ी होकर अपना दांत साफ कर रही थी। उसने वॉश बेसिन का थोड़ा सा नल खुला रखा था, जिससे जल की मोटी मोटी बूंदे लगातार गिर रही थी। तभी अनन्या को किसी की रोने की आवाज आई। वह इधर उधर देखती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तो जल की बूंदों ने कहा कि इधर उधर क्या देख रही हो, यह मैं हूँ जल, मेरा नाम पानी भी है, मुझे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। जल ने आगे बोला कि मैं बहुत अमूल्य चीज हूँ, मुझे ऐसे व्यर्थ मत करो। तो अनन्या कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से नल को खुला छोड़ दिया। तो अनन्या आगे बोली कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम कैसे, मतलब तुम क्या क्या करती हो, ये सब बोली। तो जल बोली, बस 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 इतना नहीं बोलो, मैं बता भी नहीं पाऊंगी ना तुम सुन पाओगी। तो वो जल बोलती है कि मैं महासागर, सागर, झील, तालाब में रहती हूँ। तो अनन्या बोलती है कि तुम तो वर्षा में भी रहती हो। तो जल बोलती है कि हाँ मैं वर्षा में भी रहती हूँ, आज मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। तो अनन्या कहती है कि हाँ बताओ ना। तो जल कहती है कि दिन के समय सूर्य की गर्मी से मैं गर्म होकर भाप बन जाती हूँ। अब भाप बनकर वायु के साथ ऊपर की ओर चली जाती हूँ। जब ऊपर ज्यादा की ओर चली जाती हूँ तो मैं ठंड होती है। तो उसी ठंड से मैं छोटे-छोटे बूंदों से मैं एक, तो आप लोग याद रखिएगा कि छोटे-छोटे बूंदों से बादल बनता है, छोटे-छोटे एकत्रित होकर बादल बनकर वही धरती पर बरसाते हैं। तो अनन्या बीच में बोल दी कि वर्षा का पानी कहाँ जाता है। तो जल बोली कि वर्षा का पानी तो वही झील, तालाब, महासागर, सागर में ही जाता है। अगर मैं ऊंचाई पर्वत पर गिरी तो अगर वहाँ ठंड हुई तो मैं बर्फ में हो जाती हूँ, अगर वहाँ गर्म मुझे मिली तो मैं पिघल कर झील में बह जाती हूँ और मैं सागर तक पहुँच पाती हूँ। मैं इस प्रकृति पर बहुत सारे रूप लेकर रहती हूँ। तो अनन्या पूछती है कि तुम हम लोग के लिए क्या चीज उपयोगी हो, तुम हम लोग के लिए क्या आवश्यक हो। तो जल कहती है, अरे पागल, तुम हम लोग के लिए, तुम देखो आज मैं तुमको बताऊंगी कि मैं कितनी उपयोगी हूँ तुम लोग के लिए। तो कहती है, तुम जिससे पीती हो, अपना प्यास बुझाती हो मुझसे ही करती हो, तुम हाथ मुंह धोती हो मुझसे ही, तुम नहाती हो, कपड़ा धोती हो मुझसे ही, मछली भी मुझसे ही जीवित रहते हैं, किसान भी पेड़ पौधे मतलब खेत सिंचित करते हैं मुझसे ही, फिर बिजली तुम लोग को देने के लिए मुझसे ही काम, पानी से ही काम होता है, फिर पशु पक्षी भी मुझसे ही मतलब प्यास बुझाते हैं। तो ये सब सुनकर वो बहुत खुश हुई कि आज मैं पानी के बारे बहुत सारी चीज जान रही हूँ। तो वो आगे बोली कि ये कि एक सवाल पूछूं जल, तू कहती है हाँ पूछो।
तो वो कहती है कि इस प्रकृति का चक्र लगातार चल ही रहा है, पर इसको कैसे रोका जा सकता है, पर इसे कैसे रोका जा सकता है। तो जल कहती है कि इसे रोका जाता नहीं है, तुम लोग इसे ही खराब कर रहे हो, तुम लोग इसे ही खराब कर रहे हो। जैसे कि मैं एक प्रकृति की एक वस्तु हूँ जिसका नाम है जल। तो जल को तुम लोग हर प्रकार से गंदा करते रहते हो, हर प्रकार से गंदा करते हो। अगर मुझे गंदा की तो तुम लोग भी रोगी बन सकते हो, अस्वस्थ बन सकते हो। तो अगर तुम हम लोग को नहीं अस्वस्थ करोगे तो तुम लोग भी अस्वस्थ नहीं रहोगे, अगर तुम मुझे स्वस्थ रखोगे तो तुम लोग भी स्वस्थ रहोगे। इसलिए कहते हैं पानी का मतलब ज्यादा दुरुपयोग नहीं करिए। तो जल आगे कहते हैं अगर जो पानी बच जाए, स्कूल का पानी जो बच जाए, तो उसे पेड़ पौधे में लगा दो, यही मेरी एक सही प्रयोग है। तो अनन्या कहती है कि आज मैं आपके साथ जो बात सीखी हूँ बहुत अच्छी अच्छी बात सीखी हूँ, मैं इसका हमेशा पालन करूंगी। और जल कहती है कि ऐसा होना भी चाहिए, अगर इस दुनिया में हर ऐसा काम करे तो एक अच्छा देश बन जाएगा। तो अनन्या कसम खा लेती है कि मैं कभी जल को व्यर्थ नहीं करूंगी, गंदा नहीं होने दूंगी, और उसे स्वच्छ रखूंगी, और उसे कभी व्यर्थ नहीं होने दूंगी, और उसको साधनी प्रयोग से काम रखूंगी। तो आज गाइस, तो आप लोग कितना आज सीखे जल के बारे, हम लोग के कमेंट में जरूर बताएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर तो एकदम जरूर करिएगा कि ये सब बातें, जल की बातें आपके फ्रेंड्स किसी को भी पता चले तो वो लोग भी एक जल के बारे मतलब कुछ सीख पाए। तो ओके बस, आज के लिए इतना ही।